Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me Neel Mani Sen. Last week की यदि बात करें तो commodity market के लिए मिला जुला रहा, जहां पर हमें max of commodities में एक range bound to downside का move देखने को मिला है। यदि मैं precious metals की सिर्फ बात करूं gold की या silver की, तो हमें gold में बिल्कुल एक इस हफ्ते range bound session देखने को मिला। वहीं silver की यदि बात करें तो silver में एक volatile session देखने को मिला, जहां पर हमें हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्टिव नोट नजर देखने को मिला है सिल्वर में। आने वाले वीक की यदि बात करें तो ग्लोबली नहीं पर हमें यूएस की तरफ से कई इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक नंबर्स आते हुए नजर आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं एमसीएक्स मार्केट को अफेक्ट करेंगे, जैसे कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस पीएमआई, जोल्टस जॉब ओपनिंग के नंबर, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर्स आने हैं, जो कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इन नंबर्स पर हमें जरूर अपनी नजरें बनाए रखनी चाहिए। टेक्निकली अब अगर बात करें कि किस तरीके से आने वाला वीक रह सकता है गोल्ड सिल्वर के लिए, तो यहां पर हम सेल ऑन राइस के अप्रोच के साथ में काम कर सकते हैं दोनों ही कमोडिटीज में। यदि हमें गोल्ड में पिछले हफ्ते के हायर साइड के लेवल क्रॉस होते हुए नजर आते हैं, तब फिर यहाँ पर ओपिनियन चेंज होगा और वहां पर हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। पर बेस्ट प्रिफर रहेगा सेलिंग साइड के लिए कि सिल्वर में सेल साइड जो है ट्रेडर्स अपनी ट्रेड ले सकते हैं। फॉर दिस वीक गोल्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट वीकली सपोर्ट 70,890 पर है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 72,300 पर बनता है। सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 83,800 पर है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल 88,800 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें यदि एनर्जी पैक की, तो इस हफ्ते हमें एनर्जी पैक क्रूड ऑयल में एक डाउनसाइड का मूव देखने को मिला। वहीं यदि नेचुरल गैस की मैं बात करूं तो वहां पर हमें एक साइडवेज टू रेंज बाउंड का सेशन बट अपसाइड का मूव भी देखने को मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि इसराइल और हमास और इसराइल और ईरान के बीच में चल रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए नजर आ रही है। न्यूज फ्लो भी थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से अब हमें क्रूड ऑयल में एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है। हायर साइड से वहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, वहीं इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनते हुए नजर आती है। नेचुरल गैस के लिए यदि आने वाला हफ्ता देखें तो यहाँ पर हमें अब यहाँ पर बाय और डिक्लाइन के अप्रोच के साथ काम कर सकते हैं। अभी हायर साइड में 190-192 तक के लेवल्स बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल यदि जाते हैं तो फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि बोथ साइड के जो है ट्रेड देखने को मिल सकते हैं एनजी में। फॉर दिस वीक क्रूड ऑयल के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो 6020 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 6520 पर बनता है। नेचुरल गैस में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 170 पर है, वहीं ये सपोर्ट जाता है तो 160 पर ही सेकंड सपोर्ट निकल करके आता है। रेजिस्टेंस यदि देखें तो 193 के आसपास बनता है। बेस मेटल्स के लिए ये वाला हफ्ता जो आने वाला है काफी अहम रह सकता है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में हमें यूएस की तरफ से कई इम्पोर्टेंट नंबर्स आते हुए नजर आएंगे, जिनकी हमने पहले बात की हुई है। तो यहाँ पर हमें सभी बेस मेटल्स में एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही यदि देखें तो बेस मेटल्स में हमने पिछले 3 हफ्तों से एक लगातार तेजी का ही रुझान देखा है, और अब कहीं ना कहीं सभी कमोडिटीज अपने नियर टू इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुकी हैं। तो यहां से हमें एक करेक्टिव मूव भी देखने को मिल सकता है, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर होगा। पर यहाँ पर हो सकता है कि हमें एक साइडवेज मूव भी देखने को मिले, पर बेटर रहेगा कि सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ सभी बेस मेटल्स में अभी आने वाले हफ्ते में काम किया जा सकता है। सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 800 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 815 यानी कि 815 पर बनता है। जिंक में इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 272 पर बनता है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल 266 के आसपास है। एल्यूमिनियम में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 221 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 230 पर। लेड के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट 184 पर है, और ये सपोर्ट जाता है तो 182 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, वहीं रेजिस्टेंस लेवल 188 पर बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।
The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.